वाह यार, इसके अंदर पनिशर वाला एक्टर भी और यार तू कौन यार, एक पैसा नहीं देना कसम से तुझे गेम के ऊपर। ओए सुन तो ले यार, क्या है तेरी लंबी गेम खेलेगा, तेरे लिए ऑफर लाया हूं, इजी बोल। तू टाइम सेवर्स के ऊपर जा, दबा के पैसा खर्च कर, तेरा लेवल अप, तेरी पर्क, तेरा कैरेक्टर सब जबरदस्त हो जाएगा, तुझे गेम खेलनी नहीं पड़ेगी। पड़ गया तेरा डीएलसी पे कटनु भाई भाई, इजी इजी, क्या हो गया क्या हो गया, निकाल लो यार निकाल लो एक मिनट। और यार टाइम से मैंने कहा अबे निकाल के, अबे मारा जाऊं मैं, जल्दी कर, निकल गए भाई, निकल गए, निकाल दिए, तेरी की सुनो मैं, तेरी की सुनो भाई भाई, क्या हो गया, इजी 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 निकाल दिए मैंने, निकाल दिए, टेंशन क्यों यार, निकल जा तू, निकल। यूबीसॉफ्ट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ काफ़ी ज़्यादा टाइम से, और मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और हर्ट हूँ उनके रीसेंट बिजनेस मॉडल से, कि किस तरह ये बेशर्मी से अपनी गेम्स को तकरीबन एक ऑनलाइन स्टोर बना चुके हैं, इट इज़ ऑफुल। इसके बारे में बात करेंगे डाउन द लाइन इस वीडियो में। आई एम योर होस्ट बंटू केज, यू आर वॉचिंग द टू स्वीट शो। आज रिव्यू है गोस्ट रिकॉन ब्रेक पॉइंट का। आई वांट टू थैंक Thrift.PK जिन्होंने मुझे ब्रेक पॉइंट भेजी ताकि मैं आपके लिए रिव्यू करूं। अगर आपने कोई गेम खरीदनी है तो बाय इट फ्रॉम थ्रिफ्ट एट द बेस्ट प्राइसेस इन पाकिस्तान। एज ऑलवेज लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी फर्स्ट। हमेशा की तरह स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, बिल्कुल बेसिक सी हाइलाइट्स दूंगा ताकि आपकी गेम स्पॉइल ना हो। आप खेलते हैं स्नो मैट, जो एक कस्टम क्रिएटेड कैरेक्टर होता है, मेरे केस में पता नहीं क्यों वो जहर जैसा लग रहा था, गुस्से वाला। खैर वो एक घोस्ट रैंक्ड ऑफिसर होता है जो अपने स्क्वाड के साथ एरोरा नाम के आइलैंड में ड्रॉप होता है। एक कार्गो शिप का एंकर ऑफ होना, पूरे आइलैंड का बॉम्ब होना, और आपके कैरेक्टर को पता चलना कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है, साथ एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी सेंट्रल भी पावर में, जिसमें ऑब्वियसली पनिशर भाई भी शामिल होते हैं, ये आपकी मेन स्टोरी को सेट ऑफ करता है। हमारे ग्रुप को टास्क मिलता है कि एरोरा आइलैंड में क्या हो रहा है, किसने ये करवाया और ये सब कुछ क्यों शेप अप हो रहा है। तो ये सब जानने के बाद आपका प्रोटैगनिस्ट नो मैट उनकी जान के पीछे जाता है एक एक्स केल एम्प्लॉइज और एरोरियंस के साथ स्क्वाड बना के। कैंपेन के प्ले थ्रू में आपको बैक स्टोरी मिलती है, पता चलता है कि पनिशर बुरा क्यों हुआ, सारे सिनेरियो में ये सब कुछ क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, एंड व्हाट ट्रिगर्ड ऑफ। एक बड़ा टिपिकल सा स्पेक ऑप्स हॉलीवुड मिशन टाइप का इस गेम का राइटअप है। चांसेस आर कि ये कैंपेन आप पे भी जल्दी ड्राई आउट हो जाए, बिकॉज इट डजंट हैव दैट मच वेट टू इट। गेम प्ले के बारे में बात करें तो सबसे पहला मेगा टर्न ऑफ मेरे लिए और मोस्टली गेमर्स के लिए ये रहा है कि ऑनलाइन प्ले ओनली, आप इस गेम को ऑफलाइन नहीं खेल सकते, यू नीड इंटरनेट कनेक्टेड 24/7। और अगर इंटरनेट ठीक जा रहा और यूबीसॉफ्ट के सर्वर शेकी हो जाएं, जो वो हो जाते हैं बाज दफा, तो आपका गेम प्ले मैसिवली इफेक्ट होता है, आपकी गेम ही नहीं चल सकती। ऑल्सो नो एआई टीममेट्स। वाइल्डलैंड्स बहुत सारे लोगों ने पसंद की थी, बहुत ज्यादा लोगों ने एंजॉय की थी बिकॉज ऑफ इटसेल्फ कि वो एक ऑफलाइन प्ले गेम थी और एआई टीममेट्स दिए गए थे उसमें, क्योंकि सबका ना ऑनलाइन प्ले में इंटरेस्ट होता, सबके पास ना अच्छा इंटरनेट होता है, और पक्का ऑनलाइन गेमिंग सर्किट भी सबके पास नहीं होता, तो ये बहुत बड़ा बमर है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। गेम में थ्रू आउट आपके पास बहुत सी शूटिंग है, बहुत सी फायरिंग एनकाउंटर्स है, स्टेल्थ या एम्बुश आपके पास है, ये एक कोर लूप है जिस पे पूरी गेम रिवॉल्व होती है। मोस्टली गेम्स की तरह आपको डैमेज ज्यादा हो तो हीलिंग मैकेनिज्म से आप हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं। लोड आउट में प्रेफर्ड आइटम्स रखते हैं सारे मिशंस के लिए। कवर सिस्टम बाज दफा ऑफ फील होता है, मुझे गेम आपको एमवी लिटरली स्नैप करने की कोशिश करती है हर वक्त, और स्पेशली ये इंडोर सीक्वेंसेस जिधर स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेजेंट हो उधर ये काफी ज्यादा होता है, और ये आपके कोर गेम प्ले को स्लाइटली डिस्टर्ब कर सकता है। नॉट दैट इट्स एन ऑफुल थिंग और एनीथिंग, बट इट इज व्हाट इट इज। शूटिंग फील्स गुड जब आप एम करते हैं तो इट गोज इन अ फर्स्ट पर्सन मोड। लीनिंग मैकेनिक्स भी एडेड है, और ऑब्वियसली लीनिंग मैकेनिक्स से जब भी आपको किल मिलती है वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग हो। गेम प्ले के अंदर स्टेल्थ सपोर्टिंग एक्स बहुत ज्यादा कमाल है, जैसे क्राउच करने की एक अलग सी वाइब है, नीचे लेट जाना और इवन अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेना बहुत ही सुपर एजेंट फील देता है, और वो जो टेंस किस्म के स्टेल्थी मोमेंट्स बनते हैं ना, दे आर वेरी गुड। आपके पास ड्रोन भी है एनिमीज मार्क करने के लिए और लेकिन एनिमीज को मारने के लिए जो ड्रोन है वो एक टास्क स्पेसिफिक ड्रोन है। गेम के अंदर क्लास सिस्टम भी है, पर्क सिस्टम भी है, और प्रोग्रेशन सिस्टम का तो आप सबको अब तक पता चल ही गया होगा। एक अच्छा सा स्किल ट्री भी एडेड है, और लूट वाला सिस्टम सरप्राइजिंगली अनफॉरगिविंग नहीं है। शूटिंग गेम है, जाहिर सी बात है, इफ नॉट ऑल द टाइम सम ऑफ द टाइम आप जरूर मरेंगे, और रिस्पॉन होना टोटली रैंडम और अनयूजुअल स्पॉट्स पे मुझे अभी तक समझ नहीं है कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। आपको लिटरली चल के जाना पड़ता है अपने ऑनगोइंग एक्ट को कंटिन्यू करने के लिए या उस पोजीशन पे जाने के लिए जिधर आप मरे। रिस्पॉन्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्पॉट ऑफ डेथ के एटलीस्ट करीब तो होना चाहिए था, इस चीज की अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही। दिस वॉज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। सर्वाइवल मैकेनिक्स भी प्रेजेंट है, जैसे आप क्राफ्टिंग करते हैं, इवन खाते पीते भी हैं जिससे आपको टेम्पररी बफ्स मिलते हैं। स्प्रिंटिंग जो कि ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज है इस गेम की, तो कैंटीन कैरी कर सकते हैं जिसकी कंजम्पशन से आपका स्टेमिना का फ्लो बढ़ता है और वो टूटता नहीं है, क्योंकि स्टेमिना इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। आप जितना मूव आउट करेंगे, जितना रन करेंगे, उतना वो डिप्लीट होगा, और उसको इंक्रीज करने के लिए यू नीड टू ट्रीट योरसेल्फ। अगेन यू हैव ट्रैवलिंग, आपके पास रोड व्हीकल्स भी, आपके पास एयरबोन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, और 2019 अब खत्म होने जा रहे हैं और अभी भी इनको ख्याल नहीं आया अपनी ड्राइविंग के फिजिक्स को इंप्रूव करने का। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वर्स तो नहीं है, बहुत ज्यादा बुरे तो नहीं है, बट देन अगेन दे आर ऑल्सो नॉट द बेस्ट। और गेम डिपेंडेंट तो नहीं है सारे एंगल पे, लेकिन देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ व्हीकल यूज इन योर गेम प्ले, उसका मेजरली इंप्रूव होना काफी ज्यादा जरूरी था यहाँ पे, बट सैडली दे हैव स्किप्ड दैट पार्ट एज वेल। एक हैंडी सा फास्ट ट्रैवल सिस्टम
भी, जिसमें इवन नोमैड क्राफ्टिंग भी कर सकता है, टेम्पररी बफ्स भी ले सकता है, चेंज ऑफ क्लासेस और इवन एक हेलीकॉप्टर भी स्पॉन कर सकता है। इस सब के पास आपके पास हब वर्ल्ड है जिसमें बाकी ऑनलाइन प्लेयर्स शामिल होते हैं, यहाँ यू हैव एक्सेस टू डू वेरियस मिशंस एंड एक्ट्स जैसे मोस्टली हब वर्ल्ड्स होते हैं वीडियो गेम्स। ऑनेस्टली मैं तो सोलो प्ले प्रेफर करूंगा और इस पॉइंट ऑफ व्यू से द गेम रन्स आउट ऑफ गैस रियल फास्ट। वाइल्डलैंड्स में तो फिर आपके पास एआई टीममेट्स थे, यहाँ अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो चांसेस है कि आप इस गेम से बहुत जल्दी बोर्ड आउट हो जाएंगे। इस टाइप की गेम्स को हमेशा मैं ये रेफर करता हूँ कि ये दोस्तों के साथ अच्छी रहती है, सोलो प्ले में दे आरंट दैट मच फन। कंटेंट वाइज अगर बात करें तो फेयरली गेम में बहुत कुछ है। मेन स्टोरी और साइड क्वेस्ट से अगर आप फ्री होते हैं तो आपके पास कलेक्टरथॉन एलिमेंट है गेम में, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू पिक एंड फाइंड। एक्शन मिशंस है जो तकरीबन डेली अपडेट होते हैं और इवन आपके पास रैंडम सिविलियंस है जो आपको टास्क देते हैं। ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट है आपके पास इंतहाई मैसिव किस्म का, बहुत बड़ा, लेकिन सैडली वो काफी फीका पड़ जाता है। वाइल्डलैंड्स के बाद यूबीसॉफ्ट ने इस बात को एड्रेस भी किया था, लेकिन स्टिल ब्रेक पॉइंट में दबा के मीनिंगलेस एरियाज आते हैं ड्यूरिंग योर रन। ऑनेस्टली इस पॉइंट पे तो आई रियली वांट गोस्ट रिकॉन फ्रेंचाइज टू ऑप्ट अ लीनियर गेम प्ले डिजाइन, क्योंकि ये जो ओपन वर्ल्ड वाली बात है ना, ये सबके हक में नहीं चलती और ब्रेक पॉइंट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। मल्टीप्लेयर पीवीपी में आपके पास घोस्ट वॉर पीवीपी है जिसमें टू टीम्स गो एट इट अगेंस्ट ईच अदर। ये एक अच्छा मोड है ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू पीवीपी मोड्स फ्रॉम द वाइल्डलैंड्स एंड द डिवीजन गेम्स, क्योंकि उस तरह का काफी स्ट्रॉन्ग एसेंस है यहाँ पे, क्योंकि बहुत जबरदस्ती ओवर द टॉप मोड तो नहीं है लेकिन फॉर द सेक ऑफ वैरायटी ये एक्सेप्टेबल है। साउंड डिजाइन की बात करें तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है गेम में साउंड डिजाइन की मॉडर्न डे। आपका अच्छे से अच्छा सीन भी खराब हो जाता है इफ द साउंड इजंट डन राइट, और गेम को शेप अप करने में साउंड डिजाइन का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ ब्रेक पॉइंट में साउंड काफी ऑफ है, लाइफ लाइक डिस्टेंस वाला तो कोई सीन नहीं, आप मिलो दूर लोगों की बात आराम से सुन लेंगे, दूर खड़े हुए इधर खड़े हुए गन शॉट्स की एनवायरनमेंट की आवाज बहुत ज्यादा फजूल तरीके से डिजाइन की हुई है, कोई लाइफ लाइक एलिमेंट नहीं है। और अगर आप मॉडर्न डे गेम से कंपेयर करें लाइक स्पाइडरमैन, रेड डेड रिडेम्पशन, गॉड ऑफ वॉर, तो आपको इस गेम का साउंड डिजाइन बहुत ज्यादा वाजे ऑफ लगेगा। और गन्स जिनको आप सबसे ज्यादा सुनते हैं उनकी बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल फील है, पहले तो आई रियली थॉट कि ये सिर्फ मुझे लग रहा है, लेकिन इस पे आई डिड अ लॉट ऑफ डिगिंग एंड फाउंड आउट कि वाकई ठंडा है इसका साउंड डिजाइन। और ग्राफिक्स और विजुअल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ऑफ कोर्स गेम देखने में अच्छी लगती है, देखने में कुछ सीन्स बहुत प्यारे लगते हैं ग्राफिक्स के, जैसे शेडिंग बेहतरीन है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स, और इन गेम मॉर्निंग टाइम पे तो इट लुक्स वेरी गुड। ग्रीनरी के सारा डैम सा लैंड भी है, फिर स्ट्रक्चर एनवायरमेंट्स के साथ अच्छे ओपन एरियाज भी है, वो लग बात है कि वो बोरिंग पड़ जाते हैं। और पानी का टेक्सचर, लाइटनिंग और कैरेक्टर मॉडल्स का बिल्ड मुझे अच्छा लगा है देखने में, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। आपको रेड डेड और स्पाइडरमैन जैसे ग्राफिक्स तो नहीं मिलेंगे, बट फॉर व्हाट इट इज, इट्स वेरी डिसेंट एंड इट्स वेरी गुड। एक हेड्स अप जरूर देना चाहूंगा कि कट सीन्स का जो रेंडर है वो आपके एक्चुअल गेम प्ले का रेंडर नहीं है, आपके इन गेम ग्राफिक्स आर टोटली डिफरेंट। और परफॉर्मेंस वाइज कुछ एस्पेक्ट्स में आपको नजर आता है कि गेम पूरी तरह से फिनिश्ड और पॉलिश नहीं की गई, बग्स और ग्लिचेस भी एडेड है, और बाज दफा आप स्टक भी हो जाते हैं ऑकवर्डली चीजों में। यूबीसॉफ्ट पता नहीं क्या सोच के गेम में निकालने की करता है अपना। असली में फ्रेंड्स माइक्रो ट्रांजेक्शन की बात करते हैं वर्डिक्ट पे जाने से पहले से, और अफसोस होता है कसम से, पहले टाइम सेवर्स के नाम पे शेमलेसली इन्होंने पैक्स डाले जिनकी वजह से आपको ग्राइंड नहीं करनी पड़ती और आपके लेवल अप्स वगैरह इजीली हो जाते हैं। उसके बाद लिटरली हर चीज आप इन गेम बाय कर सकते हैं गोस्ट कॉइन से, जो इटसेल्फ एक पेड आइटम है और वो काफी महंगी चीज है। नॉट दैट उन्होंने आपको इस सब पे फोर्स किया, लेकिन इनका होना नहीं बनता गेमिंग में, वो भी इतने धड़ल्ले से इन्होंने डाला हुआ इसको अपफ्रंट आपके मुंह पे, बहुत ज्यादा ज्यादती है। और मैं बड़ा खुश हूं कि लोगों ने वोकल होकर एटलीस्ट यूबीसॉफ्ट को थोड़ा हिलाया तो है अपनी जगह से कि भाई क्या हम आपकी ये फजूल हरकतें बाय नहीं करेंगे, और उनको पता चला इस बात का। सो विद ऑल ऑफ दिस सेड, नाउ इट्स टाइम फॉर द वर्डिक्ट। एक लेंथी गेम जिसमें आपको सम व्हाट ऑफ एन एक्सेप्टेबल स्टोरी मिलती है, काफी कंटेंट मिलता है इसमें कोई शक नहीं है, एक पूरा ऑनलाइन स्टोर है, फिर ऑफलाइन प्ले एलिमेंट्स को मार मूर के एक ऑनलाइन ओनली फोर्स किया गया आप पे, सोलो प्ले आपका डेड है, ये बात ध्यान में रख लें। एआई टीममेट्स वाली अब कोई बात नहीं है, ओवरऑल गेम फीकी पड़ जाती है, और ये लाइव सर्विस प्रोडक्ट आपको अभी तक कंप्लीट नहीं मिला, पॉलिश और फिनिश की अभी भी जरूरत है, बग्स और ग्लिचेस गेम में प्रेजेंट है। वाइल्डलैंड्स को इंप्रूव करने के बजाय ये तो टू स्टेप्स बैक वाली बात हो गई है। सैडली गोस्ट रिकॉन ब्रेकपॉइंट इज अ 6.5 आउट ऑफ 10 गेम, और यूबीसॉफ्ट को जाग जाना चाहिए, नहीं तो होगा ये कि इनके जो बचे कुछ फैंस रह गए हैं वो भी इनको छोड़ देंगे, एंड देन दे विल बी टर्न्ड इनटू अ जोक लाइक ईए गेम्स। एंड विद ऑल ऑफ दिस सेड माय फ्रेंड्स, आवर एपिसोड कम्स टू एन एंड। मेरे साथ जरूर अपनी थॉट्स शेयर करें, आपको ब्रेक पॉइंट कैसी लगी, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, और आपको ये बढ़ते फजूल तरीन माइक्रो ट्रांजेक्शंस का ट्रेंड कैसा लग रहा है, उसके बारे में क्या थॉट्स हैं, वी डिस्कस एवरीथिंग डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, यू गाइस टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज योर होस्ट पंटू केज सेइंग अलविदा।